बाहर निकली हैं और निकल के पद्मश्री सम्मान तक पहुंचने का जो मौका मिला, इसके लिए मैं तहे दिल पूरे भारतवासी, आप गुजरात के सभी भाइयों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि केबीसी और पद्मश्री सम्मान एक ऐसे सम्मान होता है सर, हमारे जैसे लोग तो वहाँ सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम सदी के महाना है अमिताभ बच्चन के पास जाकर बैठ के 50 लाख जीत सकते हैं। हमको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, वहाँ तो पूरा प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद से, प्रभु श्री जी का आशीर्वाद से आखिरी अंतिम दिन तक खेलते खेलते 50 लाख तक जीते आप सभी का। हमारे साथ है, हमारे दुश्मन बोलते हैं कि हमारा बहुत सारा दुश्मन है। मैं भी सोचती थी कि हमारा बहुत दुश्मन है, मेरा पति दुश्मन है, समाज दुश्मन है, परिवार दुश्मन है, गरीबी दुश्मन है, अज्ञानता अशिक्षा दुश्मन है। लेकिन एक दिन जब अपने आप को अपना दिल में हाथ रख के देखी तो सबसे बड़ा डरपोक मैं हूँ। डर को हथियार बना दिया जाए, डर को तलवार बना दिया जाए, डर को एक ताकतवर बना के निकले तो हम झांसी की रानी की तरह जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जी वो तो होता ही है, सभी शिक्षा के इधर ही रहेंगे। कुल भारत माता की जय। तो जब मैं अपने आप को देखी कि डर इतना ज्यादा मेरे लिए है और मेरा सहयोग करने वाला तो बहुत है, लेकिन मैं यही तक सोचती हूँ कि सहयोग तो करेंगे, हाथ पकड़ के चलाने की कोशिश सब लोग करेंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग में भी यही सिखाएंगे। लेकिन जिंदगी में लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपने पैर को ताकतवर खड़े होना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने पैर जमा के खड़े नहीं होंगे तो जिंदगी में किसी भी पावर नहीं कोई आपको कोई आगे बढ़ा सके, आपका ताकत ही आपको आगे बढ़ाएगा, आपका जो डर है उसको तलवार बनाओगे वही आपको आगे बढ़ाएगा। जिंदगी में एक लक्ष्य ही है, एक सोच को बदलेंगे तो हम दुनिया बदल सकते हैं, हमारा सोच नहीं बदलेगा तो हम जिंदगी में कभी नहीं बदल पाएंगे। 3 दिन की ट्रेनिंग ठीक है, आप हजारों ट्रेनिंग ले सकते हो लेकिन जिंदगी में खुद अपने आप को नहीं बदल सकते हो तो घर गाँव समाज कैसे परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए खुद हम ताकतवर बनना हमको जरूरी है। ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारा तो कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारे पास तो समय नहीं है। जिंदगी में कहीं ना कहीं ये चीज हर आदमी के पास आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। मैं ये बताना चाहती हूँ जिंदगी में जिन इंसान को नशा हो जाए ना, दुनिया में बहुत सारा नशा है पैसा कमाने का, गाड़ी बंगला घूमने में, नेता में, राजनीति में बहुत सारा नशा हो जाता है, जिंदगी में इंसान को एक बार मानव सेवा समाज सेवा की नशा हो जाए ना, जिंदगी में कोई कुर्सी मायने नहीं रखता, जिंदगी में खाद नहीं खाई मायने नहीं रखता, लेकिन जिंदगी में एक बार इंसान नशा करना है तो शराब या दुनिया भर का नशा मत करो, एक नशा करना है मन से दम तक नशा रहता है। मैं कहना चाहती हूँ कि मरने के बाद ये शरीर मानव शरीर में मानव शरीर में जाएगा, मरने के बाद न चीता जलाया जाएगा, न लकड़ी में जलाएंगे, न मिट्टी में डालेंगे, इस शरीर को भी देह दान कर चुकी हूँ। धिक्कार हो जिंदगी जो पानी में डूब गया, आग आग में जल गया, मिट्टी में धस के खराब हो गया, ये जीवन है हमारा, ये जीवन एक एक वक्त एक एक चीज हमारा समाज में काम आ जाए, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकता है। परिस्थिति इंसान को
कहीं ना कहीं एक अलग स्थान पहुँचा ही देता है। जिंदगी में हर इंसान के पास ऐसे परिस्थिति आता है, मेरे पास भी 7 वर्ष की उम्र में ऐसी जिंदगी आया, शायद मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरा जिंदगी में मैं 2-3 दिन तक भूखे प्यासे रहना पड़ता था। एक साड़ी को 3 टुकड़ा करके पहनाते थे। मैं कभी नहीं सोची थी कि राष्ट्रपति के साथ बैठ के खाना खाऊंगी। पद्मश्री सम्मान, सोना, चांदी, डायमंड, हीरा, करोड़ों रुपया पैसा सम्मान एक तरफ है, लेकिन जिंदगी में जो इंसान परिस्थिति को किसे ऊपर उठे, जो तकलीफ के साथ में उठे, तो इंसान को वो सब चीज लालच बिल्कुल नहीं होता। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा कहानी, मैं क्यों समाज सेवा में आई। 7 साल की उम्र में एक मेरी माँ एक साड़ी को 3 टुकड़ा करके पहनाते थे। एक छोटे से झोपड़ी में मेरा घर था। वो झोपड़ी में मैं चाय बेचती थी, चाय बनाती थी। मेरे बाबू जी चाय बनाते थे, मैं गिलास लेके बस स्टैंड पर घूम के चाय बेचती थी। जंगल में जाती थी, लकड़ी गिनने जाती थी। सिर्फ साड़ी के 3 टुकड़ा से मेरा शरीर को ऐसे ढक देते थे। मेरा उम्र सिर्फ 7 साल का। हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहते थे। परिवार बड़ा था, 5 बहन 2 भाई थे। एक दिन बीतना दूसरा दिन होते थे कि माँ हमको भूख लगा, हमको भूख लग रहा है, माँ हम खाना चाह रहे हैं, हमको खाना चाहिए। मेरे बाकी भाई छोटे थे, मैं 3रे नंबर की थी। माँ बाप एक दिन होता था बेटा सो जा, सुबह गरम गरम खा के खाना देंगे, सुबह बनाएंगे। सुबह बोलते थे तो बेटा शाम को ऐसे करते करते 3-3 दिन तक भूखे प्यासे रहते थे। माँ बाप को एक कोना में रोते हुए देखती थी। बाकी भाई बहन पेट को दबा दबा के सोने की कोशिश करते थे। मेरा मन सोच भी डूबा रहता था कि ये क्यों होता है, इसके घर में खाना बनता है, मेरे घर में क्यों खाना नहीं बनता। उन लोग सब परिवार बैठ के खाते हैं, हमारे घर में क्यों परिवार में बैठ के खाना नहीं खाते। इस 7 साल की उम्र में सोचती थी। मैं चाय देते देते वहाँ सर गुरु जी लोग स्कूल लगा ही था, गुरु जी आते थे, ट्रैवल कंडक्टर आते थे, तो उनके जेब में पेन देखती थी, पैसा देखती थी। मेरा मन लगता था कि ये पेन वो ताकत है, जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। पेन देखती थी, उनके जेब में पैसा देखती थी। मेरा मन भी लगा कि मैं भी पढ़ू लिखूँ तो कम से कम अपने भाई बहन को तो वक्त की रोटी खिला सकूँ, क्योंकि उनके जेब में पैसा है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं और बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। मैं भी सोची स्कूल स्कूल गई, दौड़ते दौड़ते स्कूल में गई। जैसे स्कूल के दरवाजे में गई, वहाँ टीचर लोग थे। अरे सबसे पहले तू कपड़ा पहन के आ, यहाँ आगे खड़े हो गए, तू कपड़ा पहन के, तेरे पास तो कपड़ा भी नहीं है पहनने का। अब भर्ती होने के लिए आए, तो उन्होंने माँ बाप को बुला के कहा पुस्तक ला, तब भर्ती होगी तब पढ़ेगी। दौड़ते हुए अपने माँ बाप के पास जाते, फिर वहाँ से फिर होटल, होटल से स्कूल, स्कूल से होटल। मेरा दिन ऐसे बिता गया। बच्चे लोग को ड्रेस में देखती थी, जूता मोजा लगा के देखती थी, बड़ा मस्ती करते हुए देखती थी। मेरा मन ऐसे लगता था खास मेरे लोग कोई 2 अक्षर पढ़ावे। बच्चे लोग का पढ़ना, बच्चे लोग का गीत गाना, मेरे अंदर आत्मा में इतना दुख होता था कि मैं क्या करूँ, खास कोई आ जाए मेरे को पढ़ा दे। लेकिन गरीबी ऐसी चीज है, सबका माँ बाप होता है, लेकिन गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। जिसके घर में 2 वक्त की रोटी है तो पूरा परिवार समाज साथ देता है। जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होता, परिवार भी मुंह मोड़ देते हैं। ये होता है दुनिया। मैं दौड़ते हुए स्कूल से पानी गिर रहा था, बच्चे लोग ड्रेस में थे। अब वहाँ पे छोटे छोटे पढ़ना पड़ा रहता था स्कूल के बाजू में, फटक बुलाना उसको उठा ली, एक काफी बना ली और दौड़ते हुए बड़ा खुशी के साथ गई कि गुरुजी मेरे पास पुस्तक आ गया, अब तो पढ़ाओ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी उस दिन इतना जोर से डांटे कि तेरे को बार बार बोलता हूँ ना तू स्कूल मत आ, समझ में नहीं आता, तेरे माँ बाप को पहले बुला के ला। फिर रोते हुए अपने पिताजी के पास हाथ पकड़ के चिल्ला चिल्ला के हुई कि बाबूजी मेरे को पढ़ना है, मेरे को स्कूल जाना है, अब तो पढ़ा दे बाबूजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे बाबूजी बोलते हैं कि बेटी तू पढ़ के क्या करेगी, हम लोग गरीब हैं, एक बड़े आदमी लोग पढ़ते हैं, जिसके घर में 2 वक्त का रोटी नहीं है ना, वो पढ़ने का काम करे, ये हमारा काम नहीं, बड़े आदमी लोग पढ़ाते हैं। रोते हुए अपने माँ के पास गई, अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ मेरे को पढ़ा देना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी माँ बोलती है कि तू बेटी है, पढ़ती क्या करेगी, चूल्हा भूखेगी, ससुराल जाएगी,
पढ़ने का काम मत करिए, बेटियों का पढ़ने का काम नहीं है, ये बेटे लोग पढ़ते हैं। दोनों शब्द एक किरण की तरह लगा, उस दिन लगा कि आज जो बेटा काम करके नहीं दिखाए ना, मैं एक ना एक दिन में बेटों से भी अच्छा काम करूंगा। चलाते थे उनके यहाँ, जब मैं ससुराल गई थी तो पैर में चप्पल था, एक पुराना साड़ी पहना के देते, तीन साल मेरे बच्चे, परिस्थिति के देखते हुए ये जिंदगी देखना पड़ा। जब मैं 6 बजे कहीं बकरी चला के अपने पति के साथ आती थी, तो मैं तो 2-3 दिन तक अपने बच्चे स्वयं भूखे रहते थे। 7 साल में मेरा छोटा बेटा 1.5 साल का था, उसके मुँह से माँ शब्द नहीं निकल पा रहा था भूख के कारण। 3-3 दिन तक तड़पते हुए मेरे बेटे बेटा लोग तड़पते थे। मैं अपने चारों बच्चों को लेकर गली में जैसे निकलती थी, गली में मजाक करते थे, हंसी उड़ाते थे, देखो हमारे यहाँ की कुतिया आ गई, हमारे गाँव की भिखारी आ गई। वो माँ होती है, दुनिया का तकलीफ सहन कर सकती है, माँ तो कई हड्डी के टूटल दर्द को सह के जन्म देती है, हर संघर्ष करके भी अपने बच्चे लोग को पढ़ाना दिखाना चाहती है। माँ से बड़े दुनिया में कोई नहीं होता। मैं गाली सहन कर सकती थी, लेकिन अपने बच्चे लोग का भूखे को सहन करना मेरे लिए बहुत असंभव था। मैं गली में घूमती थी कि एक गिलास चावल दो, मेरे बच्चे लोग दिन दिन से भूखे हैं। गली गली 10 बजे 10:30 11 बजे तक सुनते रहते थे, मजाक करते थे, दरवाजा बंद कर देते थे। दुनिया हंसी के मैं ही समझते थे कि देखो हमारे गाँव की पागल आ गई अपने बच्चे लोग को लेके। बस कई बार ऐसे दिन मेरा बीतता गया, बच्चे लोग खड़े नहीं हो पाते थे, रो नहीं पाते थे, माँ शब्द नहीं बोल पाते थे। ये सब देखते हुए मेरा मन में लगा कि माँ कितना लाचार होती है, चाह के भी अपने बच्चे लोग को खिला सकते हैं ना पिला सकते हैं, न उनका इलाज करा सकते हैं। चारों बच्चों को लेकर ट्रेन में निकल जाएगी, कई दिन तक भूखे प्यासे रहते हुए पैर में थोड़ा पड़ा रहता था, 50-50 जगह फटा था, हड्डी के ढांचा बने रहती थी, कईयों दिन तक भूखे प्यासे गई आगे पीछे पीछे घूम घूम के बच्चे लोग के सामने गली गली में घूमती थी। समाज के ताने सराम, समाज के गाली को लेके इतना टूट चुकी थी कि अब मैं मरूंगी, अब आज के बाद जिंदगी नहीं जीना है, क्योंकि सबका होता है लेकिन गरीब का कोई परिवार कोई समाज साथ नहीं दे रहा है। चारों बच्चे को मेरे गाँव से 3 किलोमीटर हमारे गाँव से ट्रेन चलती है, ट्रेन के सामने में चारों बच्चों को पकड़ ली, उसमें चारों बच्चे को एक साथ बांधूंगी और मैं खुद उसमें बंधा के ट्रेन के सामने में जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद जीना नहीं चाह रही थी ना अपने बच्चे लोगों को जीना नहीं चाह रही थी। दुनिया मेरे रहते हुए तक मेरे बच्चे को एक चावल के माट को मांगती थी, लेकिन गाय के दाना में डाल देते थे, लेकिन चावल को माट भी देने वाला कोई नहीं रहता था। अंतिम में एक माँ बस दुनिया से अपना लीला समाप्त करना चाह रही थी कि मरूंगी, लेकिन मेरे चारों बच्चे, मेरी बड़ी बेटी 7.5 साल की और मेरी 4.5 साल की बेटी, दोनों पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि माँ हमको मरना नहीं है, माँ हमको जीना है, हम जीना चाहते हैं माँ, आज की बात आपको कभी नहीं खाना मांगेंगे लेकिन हम जिएंगे। उस दिन मेरा आत्मा जग गया, एक माँ का ममता जग गया। उस दिन मेरे को लगा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रही हूँ, आज अपने बच्चे लोग को मार रही हूँ, मैं खुद मर रही हूँ, लेकिन दुनिया में मेरे जैसे कई गरीब माँ होंगे, कई बच्चे होंगे जो भूखे प्यासे रोड में पड़े होंगे, भीख मांगते होंगे, मेरे जैसे कई भिखारी होंगे। जिंदगी जूंगी तो समाज के लिए और मर भी जाऊंगी तो वो समाज के लिए। बिना गाली का कोई इंसान पड़ा नहीं होगा।
होता, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी हो, कहीं ना कहीं बनने से पहले पत्थर को भी ठोकर खाना पड़ता है, ठोकर खा करके मूर्ति बनती है, तभी उनका पूजा होता है। शायद वैसे ही मेरा भी जिंदगी में बहुत बवाल आया, पति मारते पीते थे, नाक मुँह से खून आता था, 10 दिन 15 दिन घर के बाहर में पड़े रहती थी, ऐसी ठंडा में कोहरा में ऐसी ओढ़ के पड़ रहती थी। मेरे बच्चे लोग को भी नहीं दिखाते थे मेरे पति, लेकिन मेरा पति, मैं चाहती हूँ कि समाज या मेरे पति अज्ञानता के कारण ऐसे करते थे, समाज में बहुत सारा अज्ञानता है, उनको ये नहीं मालूम कि आज भगवान बुद्ध को भी जन्म देने वाली माँ है, राम कृष्ण को जन्म देने वाली माँ है, माँ चाहे तो घर गाँव समाज बदल सकती है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है आज के दिन में कि माँ कमजोर नहीं है, जिस दिन माँ जाग जाएगी उस दिन देश के हरे पूरा देश जाग जाएगा। माँ को जानना बहुत जरूरी है, हम घर में बैठ कुछ करेंगे तो शायद हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए हर घर में महिला सामने आना जरूरी है। ये सोच के जब उठी तो पति का मान, 3 साल से मेरे जो सम्मान मिला है मेरे पास कुछ नहीं है, आग लगाते थे पति, मारपीट के साथ में जितना भी प्रमाण पत्र जितना भी अवार्ड मिला सबको आग लगाते थे, एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होता था, 10 दिन 15 दिन बाहर में पड़े रहते थे, बहुत भी पानी भी पी के, लेकिन जिंदगी में मन में ठीक इच्छा शक्ति लगन और सर में विश्वास हो जाए और जुनून के साथ कोई काम करो तो जिंदगी में कोई इंसान ऐसे नहीं जो वो आगे ना बढ़ सके, आगे बढ़ता है क्योंकि वो सोच हम जुनून के साथ लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। पति का मान, गांव में काम करने लोग पानी भरना बंद करवा दिए, गांव में बात करना बंद कर दिए, दुकान में सामान देना बंद कर दिए, 3 किलोमीटर तक मैं पानी लाने जाती थी, गांव वाले मेरे बहुत पानी भी नहीं भरने देते थे, गाय बकरी चराना भी बंद कर दिए, इसलिए मेरे पति मेरे परिवार और मेरे गांव 2-4 दिन रेडियो लगा लगा के हम 11 महिलाओं को बैठाते थे और ये भी पूछते थे कि पुरुष का काम है महिला क्यों कर रही है। ये सब काम ये 20-25 साल के पहले की बात आप लोग को बता रही हूँ। कोई भी महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी हमारे घर, मिट्टी फेंकना है, घर में खाना बनाना है, यही तक सीमित रहते थे, तो इसमें पति भी बहुत नाराज होते थे, लेकिन मैं अपना घर का काम करके बाहर निकलती थी, जब जाती थी तो फोड़ा आ जाता था, 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपए पैसे से शुरू की, क्योंकि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए किसी भी ताकत नहीं कोई तोड़ सके, एक कुत्ता को हम पत्थर उठा के मारेंगे तो कुत्ता डर के भागेगा क्योंकि वो अकेला ही है, बिल्ली को भी मारते हैं तो बिल्ली भी डर के भाग जाएगी क्योंकि अकेली है। देखिए जिंदगी में मधुमक्खी के छाता पर कोई पत्थर मारे तो मधुमक्खी आपके ऊपर ही हमला करेगा, जिंदगी में संगठन बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने का क्षमता, लीडर होने का क्षमता, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे आर्थिक में हो, चाहे सामाजिक में, चाहे कहीं भी आगे बढ़ो, तो सब समिति ही है जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ा सकती है। तो मैं गांव का विरोध करते हुए पहले गांव का साफ सफाई रक्तदान लगाई, मैं स्वयं 12 बार का रक्तदान दी और धीरे धीरे स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता रोजगार और नशा मुक्त समाज के लिए काम करते गई। मैं सबसे पहले शिक्षा में मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि जिंदगी में पढ़ना बहुत जरूरी है, तो 2 रुपए पैसा 1 महीना जमा करते थे, 11 महीनाएं हम लोग महीना में 1 महीना 10 रुपया 110 रुपये जमा होता था, 3 किलो चावल जमा होता था, जिस घर में चावल नहीं रहता था तो हम 11 महिलाएं उनके घर चावल देते थे, ये नहीं सोचते थे कि इतना बड़ा फेडरेशन बनेगा देश विदेश में नाम चलेगा। मैं 11 महिलाओं को लेकर ही शुरू की थी कि हम 11 महिलाएं 2 मुट्ठी चावल से हर बच्चे भूख ना मरे, कोई बच्चे बीमार ना पड़े, कोई बच्चा अशिक्षा ना रहे, हम सब मिलकर काम करेंगे। काम करते करते फिर मैं साइकिल चलाने सीखी, पैदल जाती थी, पैर में फोड़ा आ जाता था, पत्ता का चप्पल बना के पहनती थी, 50.5 जगह फटा रहता था, साइकिल से 20 किलो 25 किलो 30 किलोमीटर तक जाती थी तो आते ही दरवाजा बंद कर देते थे पति, लेकिन कभी मैं हिम्मत नहीं हारी, मेरे को लगा कि जिंदगी में दृढ़ इच्छा शक्ति मन में होना जरूरी है तभी हम कुछ कर सकते हैं। आज जो भी इंसान गाली दे रहे हैं एक न एक दिन इन लोगों को भी मेरे प्रति गर्व होगा, और देखते ही देखते 2 लाख से ज्यादा महिलाओं का एक बहुत बड़ा कबीला जो तैयार हो गया,
क्योंकि सबसे बड़ा जनता समाज से बड़ा नेता कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज जनता है तो मुख्यमंत्री, संसद, विधायक, प्रधानमंत्री जी हैं। जनता से बड़ा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए जनता से बड़ा मेरा कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसमें मैं ले सकूँ। कई राज्य सरकार बहुत सारे पद दिए हैं, लेकिन कभी भी मैं पद लेना नहीं चाहती हूँ, चाहे राज्य भारत सरकार हो। हर चाहते हैं कि आप आइए, और छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख महिलाओं का एक बहुत बड़ा एक महिला सदस्य सहायता समूह का काम हुआ। हमारा पढ़ाई, भलाई, सफाई, छोटे से नाम दो पढ़ाई के, हम हर एक बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन हर एक बेटी पढ़े, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो घर का समाज बदलेगा और वो घर का अलग शिक्षा बन के आगे करेगी। दूसरा, स्वास्थ्य में बच्चों, महिलाओं का बहुत सारा ऐसा मुद्दा है, चाहे महामारी है या स्वास्थ्य है, इसके लिए शिक्षा स्वास्थ्य में काम करते हैं। स्वच्छता में शौचालय, भारत सरकार कहते हैं कि शौच मुक्त भारत हो, लेकिन जिंदगी में पैसा करोड़ों रुपया रुपये सरकार खर्च कर रही है, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ शौचालय बनाने से कुछ नहीं होता, सोच बदलेगा तो शौचालय को योजना आयोग के सदस्य होने के नाते, नीति आयोग में रहने के नाते, मैं अपने छत्तीसगढ़ में अपने गांव से, अपने जिले से शुरुआत की कि अपने ही पैसे से शौचालय बनाए, और जब सोच बदल गया तो 8 दिन में शौचालय पूरा गांव शौच मुक्त बन गया, 12 दिन में शौच मुक्त बन गया, और माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ आना पड़ा क्योंकि सोच वहाँ बदला है। शौचालय बनाने वाला सरकार नहीं, हम खुद हैं, क्योंकि हम बदलेंगे तभी हमारा देश और समाज बदलेगा। ये सोच रोजगार किए, जिसमें भैया जी बता रहे थे कि रोजगार जिंदगी में आर्थिक मजबूत होगा तब समाज मजबूत होगा। आज हम पढ़ाई करते हैं इसलिए कि हमको नौकरी चाहिए। माँ बाप यही शुरू से सिखाते हैं कि आपको बेटा कलेक्टर बनना है, बेटा आपको बहुत बड़ा कलेक्टर इंजीनियर बनना है, बेटा आप पढ़िए, बहुत पढ़िए, लेकिन ये भी सिखाते हैं कि बेटा पढ़ाई नौकरी करने के लिए करो। हर माँ बाप कहते हैं आप लोग यही पढ़ते हो, लेकिन जिंदगी में नौकर बनने के लिए क्यों, मालिक बनो, हजारों को भी पाल सकते हो। मालिक कहलाओगे और मालिक बनोगे तो सब गरीब को भी पा सकते हो, मालिक बनने का सोचिए। नौकरी, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, जिंदगी में पढ़ाई करना चाहिए। आप जमीन का रक्षा करो, जमीन आपका रक्षा करेगा, इसलिए आप किसान का बेटा हो या बेटा भी नहीं हो फिर भी आप जमीन के बारे में, देश के बारे में सोचो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ा भारी कर्ज है। माँ बाप का कर्जा, धरती माता का कर्जा, अपने देश का कर्जा। जिंदगी क्या जिंदगी जीते हैं कि हम अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन कुछ समाज के लिए जियो, माँ बाप के लिए जियो, और अपने देश के लिए जिंदगी जीना ये सबसे बड़ा सेवा कहलाता है। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, सोची नहीं थी, 2-4 जीविका शुरू करना शुरू की, करोड़ों करोड़ों का जीविका शुरू किए, भगवान के चरणों में जो फूल फेंक देते थे, प्रदूषण फैलता था, इसके लिए हम लोग सभी फूल को इकट्ठा करें, सुखाए और फूल का अगरबत्ती बना के लाखों लाखों रुपये पैसा कमाना शुरू किया। अगरबत्ती हम लोग बेचते हैं, अब हम ऑनलाइन भी हमारा सामान बिकेगा। कहीं भी पेड़ा पड़ा है, धान का धान वान रखे, उनका भूसा पड़ा है, उससे आर्ट के द्वारा मूर्ति तैयार कर रहे हैं, आर्ट के द्वारा चित्र पेंटिंग कर रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ा पढ़ाई कर करके। हमारा गांव में एक एक किसान है, गरीब किसान को लेके एक एक एकड़ किसान को, 10-10 किसान बहनों को जोड़ के हम लोग उसमें आर्गेनिक सब्जी भाजी लगाए। 500 ऐसे किसान हैं जो अपने घर में हल्दी, धनिया, मिर्ची, साग, भाजी और अन्न लगाते हैं, ऊपर में फल फलदार वृक्ष लगता है आर्गेनिक का, और नीचे में पूरा फल सब्जी भाजी लगता है। हल्दी, धनिया, मिर्ची का हमारा खुद का ब्रांड है, हम किसी के ब्रांड का प्रयोग नहीं करते, लेकिन हम वो छोटे छोटे किसान अपना खुद ब्रांड बनाए हैं, अपना सुखाते हैं खेत में, कंपनी लाती है, हमारी महिलाओं का कंपनी है, उस कंपनी में सुखा के गाँव हमारी ब्रांड के नाम से बिकता है। हम बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि हमारा सामान कहीं भी मिलावट नहीं है। हम महिलाएं कभी गलती कर ही नहीं सकते, 2 लाख महिलाओं का जो रोजगार है, किसान महिलाएं किसान सब्जी लगाती हैं, सुखाती हैं, बनाती हैं, कोई बेचती है, कोई उठाती है, सबका अलग अलग काम है। 18 महिलाओं का दूध का डेयरी शुरू किए थे हमारे यहाँ गुजरात में,
अब बहुत सुने पूरे देश प्रवसित देश विदेश में परिचित है, लेकिन हमारा छोटा सा बुद्ध है 18 महिलाओं को लेकर शुरू किए, 2 किलो दूध से शुरू किए थे, आज 25 गांव में हजारों दूध ट्रक में हमारा दूध सरकार खरीदती है। और बहुत सारी ऐसी मिला है जो राष्ट्रीय लेवल का सम्मान दिए हैं, और ये अब आधुनिक दूध आधुनिक पेड़ा आधुनिक पनीर के द्वारा भी हमारा बिक्री करेंगे, क्योंकि आज देश विदेश देखने को आता है हमारा 2.5 लाख महिलाओं का जो संगठन है, हम 1 रुपया चावल 1 रुपया पैसा 1 पुराना साड़ी से 2-2.5 लाख महिलाओं का कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि सरकार को मंगेंगे जिंदगी भर सर झुका के बात करेंगे, हम कभी नहीं मंगे 24 साल। गुलाब के फूल में कांटों से निकले हुए हम भी एक इंसान है, वहाँ से पंखुड़ी बने पंखुड़ों का जो खुशबू है वो हमारा काम है, और ये हमारा रोजगार में बहुत सारा कंपनी सोसाइटी बना है, किसान किसी केंद्र खोले हैं, डायरेक्ट विदेश से हमारा कंपनी चुनी है, सब महिला का भी कंपनी है। और आखिरी एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आप सभी को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा देश का मुद्दा है, वो नशा है। सरकार तो कह रहे कि नशा मुक्त हो, शराबबंदी बंद करो, यही करना है, कोई किसी का गलत नहीं पड़ा है, नेता लोग को से मतलब अधिकारी को से मतलब जीना है तो खुद अपने अपने घर से नशा मुक्ति के लिए जाओ, तो सरकार को बंद करना पड़ेगा, सबसे भारी जनता समाज होता है, जिस दिन में जनता समाज जागेगा उस दिन में कहीं दारू भट्टी नहीं रहेगा, बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावरफुल जनता समाज होता है। मैं अपने गाँव में 10 से लेकर 50 महिलाएं बेटी कपड़ी लेकर घूमती हूँ, मेरे यहाँ बहुत बेटियों के साथ बलात्कार होता था, महिलाओं को मारते थे, शराब पी के उनके पति मारते थे, घर घर में शराब बनता था, हर घर घर में शराब पी बनता था, महाराष्ट्र से शराब आता था और घर से शराब आता था, कच्चा शराब बनता था, हर घर में शराब वाला 2-3 जन महिलाएं कमाती हैं और पुरुष लोग पी के पड़े रहते थे, कहीं भी बेटी को उठा के ले जाते थे। अब मैं क्या करूँ, उसमें 10 से 50 महिलाओं को ट्रेनिंग देते गई, लकड़ी और सीढ़ी गुलाबी सफेद टोपी गुलाबी साड़ी पहन के सीढ़ी बजाना शुरू करवा दी, जैसे जैसे गली सीढ़ी बजे एक दो को सिखा उनको सुधारना पड़ा, उसमें पति भी उनके साथ है, उनके ससुर भी है, वहाँ किसी का पति किसी का ससुर नहीं है, पति भी आए चाहे ससुर आए चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, क्योंकि आज हम भारत की नारी हैं, हम अपना रक्षा खुद करना चाहते हैं, हम सरकार का मदद क्यों ले, अपने परिवार और गांव की मदद ले, ये हमको करने का जरूरत नहीं पड़ता जब युवा समाज जाकर आज महिलाएं लकड़ी लेके घूमना पड़ा, इसलिए मैं अपने से ही हम लकड़ी लेके घूमते गए, जहां शराबी लोग बैठ के मिक्सर खा रहे बैठ के शराब पी रहे, कोई सीटी बजे तो किसी का टावर छूटा, किसी का दुपट्टा छूटा, किसी का मिक्सर छूटा, किसी का दारू छूटा, क्योंकि एक बार समझाइश देते हैं और नहीं समझा तो सीधा अंदर। गुलाबी फौज के नाम से सीटी और भर्ती बच जाए, एक दिन ऐसे हुआ एक पति रोज मारता था महिला फौज की महिला हमारी बहन रोज मारता था, एक दिन ऐसे हुआ मेरे बोले कि दीदी मैं रोज जाती हूँ फौज में घूम के, मेरे ही पति मेरे को मारते हैं, मैं बोली ठीक है लकड़ी आती है खाना बनाती है, हाँ दीदी मैं लकड़ी से खाना बनाती हूँ, जब तक वो अंगेठा को पकड़ लेना तो मेरे समाज क्या बोलेंगे, मैं बोले मेरे बोलेंगे समाज जब बोलेगा, रोज मारते हैं एक महिला को तो समाज कहाँ जाता है, जब महिला जब मारती है अपने पति को तो समाज सामने आ जाएगा, अब महिलाएं मार खाए उनका शरीर नहीं है, मैं बोल मैं समझूंगी पहले तू निकल तो पहले मारना बस मगर उसको लकड़ी पकड़ लेना, ऐसे पकड़ लिए जलते हुए लकड़ी को पकड़ के बोले अब रोज मारता है मेरे को मार के बता, मारा वाला मारी कुछ नहीं, वो गली गली घूमने लग गया उनका पति, और उस दिन से दूसरे दिन शराब पीना बंद कर दिया, और नारी से नर होते हैं ध्रुव पाला समान, जिन दिन महिलाएं जाग जाए ना तो उस दिन में कोई गांव में हत्याकांड नहीं करेगा। समय नहीं है, बहुत सीट ढक लिए, बहुत ज्यादा अत्याचार सहग है, आज बेटियों के साथ कुकर्म हो रहा है, 5-6 साल बेटियों के साथ सभी बलात्कार हो रहा है, मैं धिक्कार बोलती हूँ ऐसे समाज ऐसे हमारे बड़े बड़े
देख रहे हैं, उसके लिए आवाज नहीं उठाते। मैं तो अपने लिए जान भी दे दूंगी इसके लिए, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन कभी 12 बजे भी कोई महिला के साथ ऐसे कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, किसी महिला के साथ छेड़खानी हुआ, तो मैं सीधा थाना को चैलेंज देती हूँ, तहसील कलेक्टर और मुख्यमंत्री को यही कहती हूँ कि आज 3 घंटे के अंदर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया तो कल पूरा थाना खाली करके रखना, 50,000 महिला आया। मैं जैसे ही पूरा घर का काम निपटाती हूँ 3:30 बजे से 6:30 7:30 बजे
सबके घर से चावल लाते हैं, सबके यहाँ से पुराना साड़ी का भंडार लगाते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बना के हम आता दो दो ढाई ढाई लाख गुना का कार्यक्रम करते हैं। इसमें एक छुआछूत का भावना, बेटियों का आदर्श विवाह करते हैं, दाह प्रथा को खत्म करने के लिए आदर्श विवाह करते हैं, ये हमारा हर साल चलता है। तो ये हमको बहुत जरूरी है कि हम समय का ध्यान दें और आगे बढ़े। आखिरी चीज और कहना चाहूंगी कि जिंदगी में मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि कहते हैं कि फुलवासा दीदी कभी भी अपने आप को, कभी भी मैं कहाँ से गए, कभी मेरे को जब पद्मश्री सम्मान मिला तो मैं 8 दिन तक सो नहीं पाई थी, क्योंकि पद्मश्री सम्मान लेना बहुत बड़ी बात है, उससे निभानी उससे बहुत बड़ी बात होता है, निभाना पड़ता है उसको। सम्मान कोई बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा निभाना, कई हजारों सम्मान मिले मेरे को नहीं मालूम, 10 लाख 20 लाख का कोई एक ठिकाना नहीं, कईयों सोना चांदी डायमंड मिला, घर में पूरे 4-5 रूम है, ऊपर में है, ऊपर 4 बोरों ऊपर में डालती हूँ, मेरे कार्यालय में पूरा कार्यालय ऊपर नीचे पूरा भर रहा है, वहाँ भी 3-4 बोरा ऐसे रखा है। आवाज लेना बहुत बड़ी बात है, निभाना उससे बहुत बड़ी बात है। मैं हरदम यही बोलती हूँ कि किसी भी ताकत नहीं, कोई एक इंसान बहुत बड़ा बन सकता है, चाहे विधायक हो, संसद हो या मंत्री हो, हर एक व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है। उस चीज को भूल जाते हैं बड़े से बड़े नेता अधिकारी लोग, लेकिन मैं मानती हूँ इसको, क्योंकि जिंदगी में हर एक व्यक्ति हमारे लिए हमसे ज्यादा बड़ा मूल्य है, क्योंकि 0 रहेगा तब लाख बनोगे, 0 रहोगे तो करोड़ बनोगे, 0 रहोगे तभी 100 कहलाओगे, 0 महान है, कोई 100,000 लाख महान नहीं होता, किसी से बढ़ना है तो 0 बनने की चलो। एक एक चीज को लेके चलो, हर इंसान को एक चपरासी है, इंसान करने वाला है, हमारे सामने जो भी काम करते हैं उनको एक आदर्श मानो, उस आदर्श के साथ चलोगे तो एक न एक दिन आप कामयाब तक पहुंचेंगे। बोलना तो बहुत है, मेरे को फिर ट्रेन बुक पकड़ना है, फिर दिल्ली जाना है, दिल्ली में कार्यक्रम है, फिर दिल्ली से फिर निकलूंगे रातों रात फिर हैदराबाद में है। तो एक छोटे से गीत आप लोग के लिए, प्रेरणा गीत के सामने मैं अपना बातों खत्म करूंगी, फिर मैं बोली हूँ, लेकिन मेरा प्रेरणा गीत आप भी सुनोगे शायद आपको अधूरा लगेगा, मैं आपको जल्दी जल्दी सुनाती हूँ। जीवन